अवैध कब्जा धारकों के सामने प्रशासन लाचार। पीड़ित ने की जिलाधिकारी से शिकायत। पानी टंकी बनवाने के लिए छीन लिया गया मकान, अब कूड़े के बीच रहने को मजबूर। लखीमपुर खीरी के थाना शारदा नगर की ग्राम पंचायत पतरासी के निवासी रामप्रसाद वाल्मीकि पुत्र कल्लू ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत किया है कि गांव के कुछ लोग अपने आप को प्रधान समझते हैं, रामप्रसाद के मकान के सामने कूड़ा डालते हैं, जबकि ग्राम प्रधान ने बोला था कि हम अपने मकान की जगह को पानी की टंकी में दे दो, हम तुम्हें इससे अच्छी जगह दे देंगे। रामप्रसाद छप्पर डालकर घूरों के बीच में रहने के लिए मजबूर है, ना ही उसे आवास दिया गया और ना ही अवैध कब्जा करने वालों से घूर नहीं खाली करवाया गया। अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने कई बार रामप्रसाद को धमकी तक दे दी है कि अगर हम लोगों को जगह खाली करना पड़ा तो तुम जान से जाओगे। आपको बता दें कि डरा रामप्रसाद जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपने मकान के सामने से गंदगी को हटवाने की गुजारिश कर रहा है। प्रधान की बात मानकर पछतावा कर रहे हैं। अगर इसने अपनी जगह पानी की टंकी में नहीं दिया होता तो आज वो दर दर की ठोकरे नहीं खाता। नाम है आपका? रामप्रसाद वाल्मीकि। कहाँ रहते हो? सनात कल्लू। कहाँ रहते हो? यही घर है। कौन सा गाँव है, ग्राम बताओ? पतरासी। पतरासी। ब्लाक कौन सी है? ब्लाक है नकहा है। क्या समस्या है? समस्या है, घूरा घूरा लगा है, पानी घरमा भरता है, घूरा लगा हुआ है पीछे से। हाँ, क्या इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, शिकायत थाने दिया रहा है। और जिलाधिकारी को भी एप्लीकेशन दिया है? हाँ, जिलाधिकारी को दिया रहा है। अच्छा, ये जो पानी निकल रहा है किसका निकल रहा है? ये बकरी वाले पड़ोस का निकल रहा है। अच्छा, ये बताओ, झोपड़ी आपकी इतने दिन से पड़ी, आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है? नहीं, अभी जल्दी में वार्ड लिस्ट में नाम आ रहा है।